हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। सामने हमारे खड़ी है हुंडई वेन्यू। अब वेन्यू ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी गाड़ियों को भाई काट देता है। अब मैं काट देने का मतलब क्या कह रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियोस के लिए आते हैं, वो देखते हैं जब नियोस का हम मैग्ना वेरिएंट ले रहे हैं तो भाई वो आ जाते हैं इसकी तरफ कि यार ये भी उसी रेट में आ जा रही है। ऐसी अलग अलग कंपनीज जो हैं बलेनो वाले हैं, बलेनो वाले कई इसकी तरफ आ जाते हैं। ये इस प्राइस रेंज में दे दिए और भाई डायमेंशन आप देख रहे हो, बिल्कुल मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है उस सेगमेंट में ही आ जाती है। तो हर कोई आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको लेना चाहता है। तो बात करें वेरिएंट की, ये जो अपने पास इस समय है ये है इसका एस वेरिएंट। इससे नीचे भी एक वेरिएंट आता है ई, लेकिन मैं ई वेरिएंट को इसीलिए आपके सामने नहीं लेकर आ रहा क्योंकि जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आ जाती है और जिस तरह की अपनी प्रेजेंस और परसेप्शन इसने बना रखा है लोगों के बीच में, उस तरह के नेसेसरी फीचर जो हैं वो उसमें नहीं आते। कुछ सेगमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे फीचर होने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड हों, इसीलिए मैं ये वेरिएंट आपके सामने लेकर आया हूँ, एस वेरिएंट। इसमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक गाड़ी में कंपनी फिटेड होनी चाहिए और आप जब लेने जाते हैं तो भाई वो सारी चीज़ें ज़रूरत की आपकी पूरी हो जाएं। तो लुक्स आप देख रहे हो सामने से, बहुत बढ़िया लगती है सड़क पे जब चलती है, सामने से आती है, कहीं से भी ऐसा छोटी गाड़ी वाला फील नहीं देती है। 1770 mm इसकी चौड़ाई है, आप देख रहे हो प्रेजेंस काफ़ी अच्छी देती है। और इस तरह का ये जो डिज़ाइन था जैसा हैरियर में आता है वो इसमें फिर कैरी फॉरवर्ड हुआ था और इसके बाद फिर इस डिज़ाइन थीम पर आई थी जो आपको इस समय क्रेटा धूम मचाती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपको मिलता है इंडिकेटर, इंडिकेटर यहाँ पर हमारा जो है वो हैलोजन बल्ब के साथ ही है, नॉर्मल ब्लिंक करता है, उतना खास नहीं लगता। यहाँ पर LED आता, मज़ा आता। और यहाँ पर मिल रहा है आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन बल्ब के साथ, पीली लाइट है। और इसमें आपको जो DRL है वो नहीं मिलती, इससे ऊपर के वेरिएंट आते हैं तो प्रीमियमनेस अलग लेवल पर आ जाती है। यहाँ पर पूरी DRL मिलती है लेकिन यहाँ पर पीली वाली लाइट जो होती है नॉर्मल रिफ्लेक्टर के साथ वो मिल रही है। यहाँ पर आपको डार्क क्रोम के साथ इस तरह का प्लस शेप वाला पूरी बड़ी सी ग्रिल मिल रही है, बड़ा बीच में आप देखो साइज़, इतना बड़ा आपको Hyundai का लोगो है जो कमांड कर रहा है काफ़ी। ओवरऑल लुक जो है वो सेमी अर्बन टाइप का लगता है, जैसे ऊपर से आपको फैंसी सी लगेगी गाड़ी और नीचे आते तो रगेडनेस वाली फीलिंग आ जाएगी। यहाँ पर स्किड प्लेट आपको दिख रही है और इस तरह का ये अलग कॉपर और ग्रे दोनों टेक्सचर इसमें मिलेंगे, कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, इससे ऊपर के वेरिएंट में मिलते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया जो चीज़ें आपको चाहिए वो इसमें ज़रूर मिलती हैं। सारी चीज़ें अंदर बाहर सारी दिखाता हूँ। अभी आते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो भाई कुछ इस तरह से मिलती है आपको इसकी साइड प्रोफाइल। प्रोपोर्शन में है गाड़ी, बिल्कुल किसी भी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगती। कोई भी एंगल हम देखें बड़ा सा आपको मिल जाता है यहाँ पर इंजन बे। उसके बाद भी सब 4 meter में अंदर स्पेस ठीक ठाक दे दिया है कंपनी ने। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से फेंडर पर इंडिकेटर। व्हील्स की बात करें तो भाई 195/65 R15 15 inch के व्हील हैं और 195 चौड़ाई है, जो कि गाड़ी की चौड़ाई के अकॉर्डिंगली ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि भाई नैरो है व्हील या कुछ है। व्हील कवर साथ में मिल जाता है, यहाँ पर आपको Hyundai का लोगो दिख रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन ठीक है, प्रोफाइल जो है साइड की उसको कम्प्लीट कर देता है। ये मिल रहा है हमारा यहाँ पर ORVM और ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वाले, वो सारी चीज़ें अंदर जब जाऊंगा तब दिखाऊंगा, फिलहाल बाहर की बात करें। क्रीजेज अच्छी दी हैं, शार्प दी हैं, जैसा आगे देखें हम गोलाई वाला डिज़ाइन है वैसे ही भाई साइड से अगर देखें तो काफ़ी एजी दिखता है। यहाँ पर आप देखो विंडो लाइन में कुछ इस तरह से क्लैडिंग जैसे आगे होती हुई आ रही है व्हील आर्चेस पे, और फिर इस तरह से यहाँ पर पूरी साइड प्रोफाइल पर दिखती है आपको। ऊपर आपको ज़रूर मिल जाती है यहाँ पर, इससे नीचे के वेरिएंट में नहीं मिलती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए मैं बेस वेरिएंट नहीं लाया। यहाँ पर आपको रूफ रेल दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट भी बढ़ा देती है, मतलब करीब आप देखो 2 inch के करीब इसकी हाइट बढ़ गई है। अगर ये चीज़ ना होती तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी पड़ती इसकी साइड प्रोफाइल। ए पिलर बी पिलर दोनों ब्लैक्ड आउट हैं, ये हमारे यहाँ पर मैटी है बी पिलर देखे, और ए पिलर हमारे यहाँ पर ग्लॉसी है जो कि लुक्स को बढ़िया बना ही देता है ऑब्वियसली। यहाँ पर आ जाते हैं हम पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जाने से पहले अगर इसकी लेंथ की बात करें तो जैसे मैंने बताया 3995/4 meter में आती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें जो कि इस तरह की गाड़ी के लिए इस तरह के सेगमेंट में ज़रूरी हो जाता है, तो 195 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत से लोग इस गाड़ी की तरफ अपग्रेड कर जाते हैं। कोई भी अगर i20 का बेस ले रहा है या फिर नियोस है, नियोस का अगर कोई एस भी ले रहा है वेरियंट, तो भाई इसकी तरफ वो आ जाते हैं। अब देखें इसका व्हील बेस, क्योंकि व्हील बेस ही मैटर करता है अंदर के कैबिन स्पेस के लिए, तो भाई 2500 mm का इसमें 2500 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है। आते हैं धीरे धीरे हम इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर दिख रहा है आपको छोटा सा एक स्पॉयलर, और जो लुक है पीछे का मतलब ग्लास एरिया उसको काफ़ी बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह का फॉक्स डिज़ाइन भी दे दिया ग्लॉसी में। देखने में ऐसा लगता है ग्लास काफ़ी कर्व्ड है, और जो हमारा रियर क्वार्टर है वो भी इससे कवर अप हो जाता है। ये चीज़ अच्छी है, छोटे छोटे डिज़ाइन एलिमेंट हैं जो कि प्रोफाइल को बढ़िया बना देते हैं।
ये हमारी रियर प्रोफाइल जैसी चौड़ी आगे लगती है वैसी चौड़ी सी पीछे लगती है। कुछ लोग हैं जिन्हें इसकी जो लाइटिंग का डिज़ाइन है ये पसंद नहीं आता। काफ़ी लोगों के यानी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उन्होंने कहा था रियर प्रोफाइल हमें पसंद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब इतनी सारी उसमें पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं किसी वैन में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे ही बड़ा सा ह्यूंडई का लोगो यहाँ मिल रहा है, वेन्यू बड़ा बड़ा गैपिंग के साथ लिखा हुआ दिख रहा है। 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, पार्किंग सेंसर ये देखिए, और साथ में ये चीज़ थोड़ी सी अलग है कि जो हमारे रिवर्स लैंप हैं वो आपको नीचे रिफ्लेक्टर के साथ सराउंडेड मिल रहे हैं। ये देख रहे हैं ये दोनों हमारे जलते हैं जब हम रिवर्स लगाते हैं। जैसे आगे स्किड प्लेट थी वैसी बड़ी सी स्किड प्लेट यहाँ पर सिल्वर कलर की पीछे दिख रही है। रगड़ने जैसी आगे थी साइड में थी वैसी शिफ्ट हुई है रियर की तरफ। और बात करें यहाँ पर लैंप की तो भाई कुछ इस तरह से हमारे रिफ्लेक्टर हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे स्टॉप लैंप हैं। ये 3 स्लैट टाइप की हाईलाइट हो जाती हैं खाली, लेकिन नॉर्मल एक ही बल्ब है हमारा हैलोजन बेस्ड, यहाँ पर हमारा इंडिकेटर यूनिट है। कुछ इस तरह से हमारी रियर प्रोफाइल है। एक चीज़ बढ़िया है कि इसमें भले ही वाइपर नहीं मिलता लेकिन डिफॉगर इसमें कंपनी ने दे दिया हमें, और साथ में हाई माउंट स्टॉप लैंप। ऊपर पावर एंटीना अभी लगा नहीं हुआ लेकिन इसमें आता है। इस तरह से हमारी रियर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। आ जाते हैं हम इस साइड दोबारा, तो भाई गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल में यहाँ पर मिल जाता है हमें फ्यूल फिलर कैप। तो पेट्रोल वाला हमारा ये वेरिएंट है, डीजल भी आता है लेकिन एस में नहीं आता, वो उससे ऊपर आता है, महंगा पड़ता है। बहुत जो डिमांड है ज़्यादा वो इस समय पेट्रोल की है। तो भाई पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करें, टैंक कैपेसिटी की, तो 45 लीटर इसमें आपको मिल जाती है। तो इस तरह से हमारी हो जाती है, अगर 360 वॉक अराउंड करें इस गाड़ी की तो कंप्लीट। अब बात आती है इसके इंटीरियर की, कि गाड़ी देखने में तो ओवरऑल अच्छी लग रही है बाहर से, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लग रही कि मिसिंग है या हमें देखने में ऐसा फील कराएगी कि हम नीचे से सिर्फ सेकंड वेरिएंट ही ले रहे हैं। अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। तो अंदर सबसे पहले एक बार इसकी चाबी दिखा देता हूँ मैं, ये है कुछ इसकी की। देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी नीचे का वेरिएंट है कोई, ये आप देखो फ्लिप की है इस तरह से, और 3 बटन यहाँ पर दिए हुए हैं। लॉक बिल्कुल वही पोंपों वाला होना है लेकिन सिंगल है, सिंगल पोंपों होती है। और यहाँ पर अनलॉक, बहुत लोग परेशान रहते हैं जब भी मोहल्ले में जैसा रात के टाइम इसको लॉक अनलॉक करें। और यहाँ पर होल्ड है बूट रिलीज के लिए, ये आप देखो इस तरह से हमारा जो है ये बूट रिलीज हो गया ये। तो भाई इस तरह से हमारे 3 बटन हमको मिल जाते हैं। अब शिफ्ट होते हैं हम इसके इंटीरियर की तरफ, तो भाई इसको लगा देते हैं एक बार यहाँ पर। तो ये हमारी ट्रिम, तो इस तरह की पूरी ब्लैकड आउट ट्रिम मिल रही है। जो हाईलाइट आपको दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे यहाँ पर दिख रहा है सिल्वर एसेंट में, यहाँ पर बिल्कुल साटन फिनिश है वो है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको छोटा सा मैच दिख रहा है, ये ट्विटर की प्लेसमेंट, और भाई इस तरह से 1 लीटर की बॉटल होल्डर, और यहाँ पर और भी कुछ छोटी सी बॉटल आई जाएगी। सारे कंट्रोल दिए हुए हैं जो भी ज़रूरी होते हैं, चारों पावर विंडो के बटन्स, यहाँ पर सेंटर लॉकिंग का लॉक एंड अनलॉक, और ये हो गया हमारा जो हमारे ORVMs हैं उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का। फोल्ड आप मैनुअली ही करेंगे, हाथ से ही करेंगे, लेकिन एडजस्ट जो है हम इस बटन के थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बाकी पावर विंडो को, ड्राइवर के अलावा जो है उनको लॉक करने के लिए बटन। इस तरह से हम डोर को बंद करेंगे। डोर अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं है खामा खा का मोटा कर रखा है, लेकिन ओवरऑल जो प्लास्टिक है, हमेशा से बात रही है कि हुंडई की जो प्लास्टिक क्वालिटी और फिट एंड फिनिश है वो बहुत बढ़िया रहती है। यहाँ पर एक और आपको ग्रिल मिल जा रही है, वो है स्पीकर के लिए। तो अब बात आती है यहाँ पर सीट की, तो भाई सीट का अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो मैं इस तरह से हमेशा नापता हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके साथ स्कूप्स की बात करें, स्कूप काफ़ी ठीक है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है। सीट को करते हैं ज़रा सा पीछे, और सीट बैठने में ना थोड़ा सा ऊंची ही लगेगी क्योंकि जो इसकी प्लेसमेंट है 195 mm 195 mm, तो ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, उसके बाद सीट की भी प्लेसमेंट थोड़ी ऊंची है। अब ज़रा बैठते हैं यहाँ पर और डोर को कर लेते हैं बंद। तो भाई इस तरह से अब सबसे पहले ये नीचा हो रहा है, तो हाँ देखते हैं बिल्कुल इस तरह से कर लेते हैं, मतलब हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हम स्टेयरिंग की। और चाबी जो मैंने निकाल दी थी उसको ज़रा यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात है स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग व्हील की। भाई स्टेयरिंग व्हील में आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं जो कि बढ़िया चीज़ है। सेकंड वेरिएंट है, दोबारा बता रहा हूँ, नीचे ई आता है उसके बाद एस आता है पेट्रोल में, वही मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ। बीच में हुंडई का लोगो है और यहाँ पर वही साटन फिनिश सिल्वर कलर में आपको दी हुई है स्टेयरिंग। ऐसा नहीं लग रहा किसी भी 7.5 लाख रुपए की गाड़ी का होगा, तो इस तरह से आपको मिल रहा है। और यहाँ बात करें हम यहाँ क्लस्टर की, तो क्लस्टर सबसे पहली चीज़ देखो कैसा गहरा सा है, मतलब इस तरह का जो क्लस्टर है वो मिलता था XUV500 में, अलग अलग ऐसे डायल्स मिलते थे जैसे सुरंग से में घुसे हुए हैं, और कुछ ऐसा आपको मिल जाता है यहाँ पर क्लस्टर। और इधर देखो ये
ये आपको दिख रहा है, ये तीन अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। ये हो गया हमारा टैकोमीटर, यहाँ हमारा मिल रहा है आपको स्पीडोमीटर है वो, और उसके साथ बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है इस जगह। और इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए हम इस स्टॉक का यूज़ करते हैं। ये देखें जनरली जो हमारी माइलेज है, माइलेज से रिलेटेड है, और फ्यूल टेम्परेचर, वो सारी जो चीज़ें ऐसे आती थी ना, मतलब इधर टैको, इधर स्पीड और बीच में ये, तो वो चीज़ इधर शिफ्ट कर दी है, बस ये है। लेकिन लुक थोड़ा सा इससे एनहेंस हो जा रहा है, थोड़ा सा नई सी चीज़ लग रही है देखने में। यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइपर के लिए स्टॉक, और इस जगह हमारा हेडलाइट के लिए स्टॉक। यहाँ साइड में बात करें कौन कौन से बटन है, तो भाई कोई बटन नहीं है, सिर्फ एक है स्क्रॉल अप एंड डाउन करने के लिए, और वो है हमारा हेडलाइट के लेवल को। अगर बात करें इसके जो हमारे एयर वेंट्स हैं, एसी वेंट्स हैं उनकी, तो भाई बहुत सही लग रहे हैं। मतलब स्क्वायर शेप में ही है, जैसा डिज़ाइन थीम है ना गाड़ी की, मतलब बॉक्सी बॉक्सी थी, टॉल बॉय सी, वैसी ही है। यहाँ पर आप देख रहे हो सराउंडेड वही सिल्वर फिनिश में, जो कि अच्छी चीज़ लग रही है। ये आ गया हमारा सेंटर में एरिया भाई, ये चीज़ है जो आपकी ज़रूरत है पूरी कर देगी। और बाकी भाई शौकियाँ हैं आप तो ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं जो टच स्क्रीन आता है, लेकिन आपको सिर्फ ऐसी गाड़ी चाहिए जो सारी चीज़ें सारे फीचर, आपको म्यूज़िक कभी कभार सुनना है, रेडियो सुनना है, एफएम सुनना है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक का भी यूज़ मिलता है, ये आपके डायल्स में हो गया, और साथ में ये नीचे हाईलाइट हो गई जो कि अच्छी लग रही है। बीच में बटन हो गया हमारा, जल गए हमारे हजार्ड लैंप, और ये नीचे हो गया हमारा मैनुअली एडजस्ट करने के लिए एसी के कंट्रोल्स। डायल्स काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं देखने में, ये देखिए आप। और उसके साथ साथ नीचे आ जाते हैं तो 12 वोल्ट 120 वाट पावर के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, और साथ में यहाँ पर दिया है यूएसबी सॉकेट, जो भी आपको पेन ड्राइव वगैरह लगानी है वो इसमें आप लगा सकते हैं। ये स्पेस दिया है कि चार्जिंग में लगाएंगे, फ़ोन यहीं रख लेंगे अपना, और साथ में दिया है 5 स्पीड का गियर बॉक्स। इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना, Hyundai के पास बड़े प्रीमियम से यहाँ पर गियर नॉब आते हैं, इसमें वो डाल देना चाहिए था, बेस के लिए ही ठीक था, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो 5 स्पीड का ये मिल रहा है आपको, रिवर्स आपको कन्वेंशनल मिल जाता है, सराउंडेड है यहाँ पर देख रहे हैं आप चारों तरफ से सिल्वर फिनिश से, और छोटा सा स्पेस यहाँ दिया है भाई, सिक्के विक्के आप रख लेंगे, 2 कप यहाँ पर रख सकते हैं आप। और साथ में बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ मिल रही है आपको आर्म रेस्ट, जो कि अच्छी चीज़ है, पूरा का पूरा बहुत मतलब लेदर टाइप की फिनिश है और सॉफ्ट है। इसको खोलते हैं तो यहाँ पर भी स्पेस है, और एक्सटेंशन नहीं भाई, एक्सटेंशन इसमें कुछ नहीं है, इसी जगह रहेगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट है इसमें ये चीज़ है, यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। आप कोई भी पैसेंजर बैठा है कुछ है तो यहाँ पर फ़ोन वगैरह रख लेगा, वही रखते हैं आजकल, मैं फ़ोन इसीलिए बोल रहा हूँ, बाकी रख तो कुछ भी सकते हैं। नीचे देखें तो उतना बड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है, ज़्यादा सामान इसमें नहीं आ पाएगा। इस तरह से हमारा आगे का पूरा पोर्शन है। यहाँ ऊपर आ जाते हैं तो भाई हमको यहाँ पर मिल जाता है IRVM डे एंड नाइट एडजस्टमेंट के साथ। यहाँ देखें तो यहाँ पर टिकट होल्डर मिल रहा है, इस जगह देखें तो यहाँ पर मिरर मिल रहा है, अच्छी चीज़ है, मिरर बड़ा है काफ़ी। माइक बात करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ओवरऑल देखें हमें चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, तो भाई जो चीज़ें हमें चाहिए जनरली वो सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं आपको। डैशबोर्ड उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर स्पेस बढ़ाने के लिए ये चीज़ है, और बोनट इसका बड़ा हो गया भाई, रखनी तो 4 मीटर के अंदर ही थी, बोनट इसका काफ़ी बड़ा है, बाहर का अपीयरेंस और बाहर के जो लुक है वो बढ़ाता है, तो इसीलिए ये जो डैशबोर्ड का एरिया थोड़ा सा छोटा है कंपेरिजन में। एयरबैग 2 मिल जाते हैं आपको, स्टैंडर्ड है, और हॉर्न जैसा बताया था वही वाला पों। तो भाई इस तरह से मैं कंप्लीट होता है। डेड पैडल देखें, हाँ डेड पैडल हमको दिया हुआ है यहाँ पर, और बाकी ABC पैडल आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा है आगे का कॉकपिट कंप्लीट। अब आती है बात इसके रियर की, तो भाई वो देखते हैं, मैंने अपने हिसाब से सीट कर रखी है एडजस्ट। अब पीछे का स्पेस देखते हैं, कई लोगों की ये आती है कमेंट्स में और शिकायत है कि भाई इसका जो रियर स्पेस है वो क्रैम्ड फील होता है। अब भाई क्रैम्ड है या नहीं, मेरी 5'5" हाइट है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका देखते हैं अंडर थाई सपोर्ट। अंडर थाई सपोर्ट तो स्टैंडर्ड सा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं। यहाँ पर बैठते हैं तो इस तरह का आपको स्पेस मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक है। हाँ लंबे जब हो जाएंगे 6 फीट के हो जाएंगे तो भाई ये घुटना यहाँ पर आएगा और आगे की सीट भी थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन नॉर्मल बिल्ड के लिए, नॉर्मल हाइट के लिए, आइडियल हाइट जो 5'7" 5'8" है उनके लिए सफिशिएंट है। सीट काफ़ी ऊंचाई पर लगी हुई है तो नीचे जूते डालने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह आपको मिल जाती है। बीच वाले बंदे को थोड़ी दिक्कत ज़रूर होने वाली है, वो इसीलिए क्योंकि ये वाला जो एरिया है हमारा, हालांकि अच्छी चीज़ है यहाँ पर हमको एसी वेंट्स पीछे कंफर्ट के लिए मिल रहे हैं, नीचे सॉकेट मिल रहा है, लेकिन बीच वाला जो पर्सन होगा उसको पैरों में जगह ज़्यादा नहीं मिलेगी। हम्प भी है और साथ में ये हमारे जो यूनिट है ये भी है। पीछे के स्पेस की बात करें तो भाई
दो अच्छे खासे बिल्ट के बंदे और एक मीडियम बिल्ट का बंदा इसमें आराम से आ जाएगा। शोल्डर रूम थोड़ा सा आपको कम लगेगा, ये चीज़ है। यहाँ पर हमारे हेडरेस्ट की बात करें तो हेडरेस्ट फिक्स दिए हुए हैं, और अगर आर्मरेस्ट देखें, नहीं आर्मरेस्ट कुछ नहीं है। और भाई रूफ़ में आपको यहाँ पर लैंप दी हुई है, मुझे समझ नहीं आया मतलब कहानी आगे क्यों नहीं लैंप दिया। यहाँ ये जो पोजीशन है सेकेंडरी लैंप की आती है, जिस जो ऊपर के वेरिएंट है ठीक है उसमें दो लैंप दे देते हैं, लेकिन ये तो प्राइमरी होता है यार। अगर आगे आगे तो ज़्यादातर ही लोग बैठते हैं, पीछे कम बैठते हैं। आगे वाले बंदे को नीड है कुछ लैंप की तो भाई वो क्या करेगा, वो तो अंधेरे में ही रहेगा। यहाँ लैंप देकर क्या मतलब है, और ये ओरिएंटेड है रियर पैसेंजर के लिए, आगे के लिए कुछ है ही नहीं। अब ये चीज़ कहानी समझ नहीं आती। यहाँ हैंडल दिए हुए हैं और यहाँ पर जो हुक है वो भी दिया हुआ है साथ में, इधर नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ही साइड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा रियर भी कंप्लीट हो रहा है। ट्रिम मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन अब देख लो इस तरह की ट्रिम है, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। पीछे ट्विटर नहीं मिलता, लेकिन स्पीकर ज़रूर मिल जाता है, चार स्पीकर दो ट्विटर, ये आपको यहाँ पर कुछ सेटअप मिल रहा है इस तरह का। और बाकी जो यहाँ पर हमारा म्यूजिक सिस्टम है वो आपको दिखाई दिया मैंने, टू डिन वाला नॉर्मल, वही हाईलाइट सिल्वर साटन फिनिश में यहाँ पर दी हुई है, और पावर विंडो का बटन ये दे रखा है, ये कुछ इस तरह से। भाई ऐसा है, एक बार उतर के देखते हैं, एक लीटर की वाटर बॉटल यहाँ दे रखी है, और एक बार उतर के देखते हैं उतरना ईजी है या फिर थोड़ा सा परेशानी देगा आपको। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, यहाँ से पकड़ के आराम से निकल सकते हैं। देखने में लग रहा था नीचे का जो पोर्शन है डोर का वो नैरो इसीलिए दिया गया है क्योंकि नीचे से ऐसे डोर नैरो हो जाता है, लेकिन उतरने में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं लगी। आ जाती है बात इसके अब बूट की, बूट में क्या कहानी है। बूट में खोलने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ये, और यहाँ पर मिल रही है पार्सल ट्रे, काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी शेप में मिलता है आपको, देखो स्क्वायर है बिल्कुल, जो कि काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, ये चीज़ होनी चाहिए। आड़ा टेढ़ा बूट स्पेस किसी काम नहीं आ पाता, इसमें बड़े बड़े अच्छे से बैग आ जाएंगे आपके। 350 लीटर का है, उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, क्योंकि काइगर हुई इसी सेगमेंट में आती है और मैग्नाइट हुई, उनके बड़े बड़े हैं बूट स्पेस, लेकिन इसका भी ठीक है, कम नहीं है, 350 लीटर काफ़ी होता है। पूरा का पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक में अच्छे से कवर्ड मिलता है, कहीं भी कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं हो रखा, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर लैंप भी मिल जाती है जो कि और बढ़िया चीज़ है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको 15 इंच का मिल रहा है, क्योंकि बाहर भी आपको व्हील कवर ही लगे हुए हैं, ऐसा कोई अंडरसाइज वाला चीज़ नहीं है इसमें। और आ जाते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी पूरी प्लास्टिक है, अच्छी चीज़ है, कहीं कॉस्ट कटिंग के साइन नहीं दिख रहे। और यहाँ हैंडल दिया है आपको इस तरह से बंद करने के लिए। तो इस तरह से हमारा इनसाइड आउट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है इसके दिल की, इंजन की, कि भाई इंजन में क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। इतनी बड़ी गाड़ी है, सेगमेंट की गाड़ी है, तो परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिलनी ही चाहिए। यहाँ से खोलते हैं इसको, भाई साहब भाई लिटरली भारी लग रहा है ये, मतलब जिनमें जितना वजन होता है मैं बताता हूँ, लेकिन इसका काफ़ी भारी लग रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको कहीं भी इंसुलेशन नहीं दिख रही, रीज़न उसका क्या है, इतना विश्वास है अपने 1.2 लीटर वाले इंजन पर ह्युंडई को, और हो भी क्यों ना भाई, मोस्ट रिफाइंड इंजन में आता है, मतलब होंडा और ह्युंडई इनके इंजन तो कमाल ही हैं रिफाइनमेंट के लेवल में। 1.2 लीटर वाला है, 1200 सीसी वाला, और 4 सिलेंडर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर करीब 82 BHP 82 BHP निकाल देता है पावर, और उसके साथ टॉर्क की बात करें तो करीब 112-113 Nm का टॉर्क आपको दे देता है, जो कि बाकी गाड़ियों में भी ड्यूटी कर रहा है, चाहे हम न्योस की बात करें उधर खड़ी है, यहाँ पर i20 की बात करें उनमें भी यही ड्यूटी कर रहा है। उसमें जो पैपीनेस आपको फील होगी ना, क्योंकि जो गाड़ी की डायनेमिक्स है उनकी और साथ में वेट है, बॉडी वेट वो थोड़ा कम है इससे, इसमें वो चीज़ फील नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ है, ज़रूरत है ज़रूर पूरी कर देगा, सेटअप नीट एंड क्लीन लग रहा है। इसको करते हैं यहाँ पर बंद, और इसी वजह से माइलेज थोड़ी सी ड्रॉप है इसकी उनके कंपैरिजन में, क्योंकि बॉडी वेट ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया 17.5 की कंपनी क्लेम करती है, और जनरली जो देखा है मैंने 13 के करीब सिटी में दे देती है, और हाईवे पर जाते हैं तो लोग 16.5-17 तक का ले लेते हैं इससे, 90-95-100 तक इसको चलाने में। तो भाई इस तरह से गाड़ी आपने देख ली पूरी, एस वेरियंट था ह्युंडई वेन्यू का। बात करें इसकी प्राइजिंग की तो 7,77,000 रुपये, 7,77,000 रुपीज़ इसकी पड़ती है आपको एक शोरूम प्राइस, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव बना देती है इसको बाकी गाड़ियों के सामने। तभी जो छोटी गाड़ियां लेने वाले लोग हैं, जो कॉम्पैक्ट सेडान हैं, चाहे हमारे जो प्रीमियम हैचबैक्स हैं, उनको लेने वाले लोग भाई इसकी तरफ आ जाते हैं। और अगर ऑन रोड की बात करें, मैं इस समय रुद्रपुर उत्तराखंड की बता रहा हूँ, तो करीब करीब लगभग 9 लाख रुपये में ये आपको ऑन रोड पड़ जाती है। तो इस तरह से थी गाड़ी। गाड़ी के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपनी ओपिनियन ज़रूर कमेंट करके बताओ। मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है गाड़ी, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है गाड़ी में, प्रेजेंस भी अच्छी है,
गाड़ी की। और अगर मेरी पिक की बात करें तो मैं भी उन्हीं में से हूँ कि लेने आऊँगा ये, मतलब नियोस वगैरह i20 वगैरह, और लेकर चले जाऊँगा ये। तो भाई यही था इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।